स्वागत है फिर से हमारे चैनल में लॉन्ग टर्म शेयर्स में। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, गुजारिश है। और बढ़ते हैं आज की ओर। आज का जो स्टॉक है अबाउट IGL, IGL का फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो हम पहले जानेंगे कि IGL करती क्या है, जिन लोगों को शायद ना पता हो तो मैं एक शॉर्ट में छोटा सिनॉप्सिस में आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम उसके कुछ नंबर्स देखेंगे, उनके नतीजे और रिटर्न्स भी देखेंगे और फ्यूचर में कैसा रहेगा उस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, इनकॉर्पोरेटेड इन 1998, IGL टू कोवर दिल्ली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट इन 1999 फ्रॉम गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से इन्होंने जो है लिया। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्ट टू ले द नेटवर्क फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू कंज्यूमर इन डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल सेक्टर्स विद द बैकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स गेल एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो जहाँ से इनको प्रॉपर जो इनकी बैकअप है इन दोनों की तरफ से जो गैस वगैरह मिलता है यहाँ से। IGL plans to provide natural gas in the entire capital region. The two main business, जो इनका दो मुख्य व्यवसाय business जिसपे कह सकते हो objectives हैं इनका of the company are to provide safe, सुरक्षित, convenient and reliable natural gas supply to its customers in the domestic and commercial sector. To provide a cleaner, environment-friendly alternative as auto fuel to Delhi's residents, this will considerably bring down the alarmingly high levels of pollution. The transport sector uses natural gas as compressed natural gas, yani CNG. The domestic and commercial sectors use as it piped natural gas PNG, जिसे हम लोग खाने पीने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो PNG जो पाइप के द्वारा आती है। And RLNG is being supplied to the industrial establishments, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ज़रूरतें होती हैं गैस की, वो RLNG कहलाती है। Future outlook, IGL continues to augment its infrastructure so as to meet the increasing demand of CNG arising out of growing number of CNG vehicles in Delhi. The growth drivers for increase in demand CNG are car manufacturers coming up with CNG variants and Delhi government's directive making it mandatory for all LCVs operating in Delhi to run on CNG. जैसा कि पता ही है कि अभी प्रदूषण को लेकर दिल्ली में काफ़ी जागरूकता फैलाई जा रही है और उसी के तहत सरकारें भी जो हैं ध्यान दे रही हैं कि जो छोटी LCVs हैं, है ना, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें जो है CNG का इस्तेमाल हो, उन गाड़ियों को जो वरीयता दी जा रही है या फिर संभवतः 100% कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे खासकर दिल्ली में। तो ये जो CNG है इनकी तरफ से सप्लाई होगी। दूसरी चीज़, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा धीरे धीरे, जैसे कि आगे अभी बताएँगे कि नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली और भी कई शहरों में ये पाइप के द्वारा घर घर में अपने खाने पीने की जो गैस होती है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं जिसको बोलते हैं PNG, पाइप नेचुरल गैस, वो सप्लाई करती है और करेगी इन फ्यूचर। तो अपना धीरे धीरे ये व्यापार बढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, तो जिससे इनको कई चीज़ें फ़ायदा होने वाली। देखिए, आने वाले समय में क्या होगा कि वन टाइम किसी एक नगर या कोई शहर बसा या उसमें किसी बिल्डिंग्स में इन्होंने या जितनी भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं तो वहाँ पे अगर ये पाइप के माध्यम से गैस पहुँचाती है तो कहाँ कहाँ इनकी क्या क्या बचत होगी। एक तो सिलेंडर्स की बचत जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, दूसरा जो मैन पावर होता है वो थोड़ा कम होगा, तो इनके जो एक्सपेंसेस है वो भी कम होंगे, प्लस सप्लाई जो है इजी हो जाएगी, जो लोग जितना यूज़ कर रहे हैं उतने का बिल पे कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये भी एक अच्छा फ्यूचर इनका नज़र आ रहा है। और दूसरा जो CNG पे है और इंडस्ट्रियल गैस के कमर्शियल पे भी है, वो भी इनका एक अच्छा सेगमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में और जिस प्रकार से लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले क्या होता था कि जो छोटे शहर या गाँव में थे लकड़ी के माध्यम लकड़ियों में खाना बनता था और भी कई संसाधनों में, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता था। तो अभी क्या हो गया कि गैस जिस प्रकार से प्रमोट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी कि सिलेंडर्स बांटे गए, तो अब IGL है जो पाइप के माध्यम से और CNG में इन तीन इंडस्ट्रियल में तीन जगह अपनी गैस सप्लाई करती है। तो एक अच्छी कंपनी है मुझे लगता है आने वाले समय में, और अच्छा हमें इसमें कुछ देखने को मिलेगा। तो
बढ़ते हैं, कुछ नंबर सब इनके देख लेते हैं। अच्छा, क्या स्टॉक प्राइस चल रहा है वो भी देखते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 328 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा था, आज तो रविवार, आज मार्केट बंद है, इट्स अ संडे टुडे, एंड आज तारीख है 8 सितंबर 2019, और जो साल का लो था 215 रुपये, हाई बनाया 350, तो अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जिन्होंने एक साल पहले पैसे लगाए थे उनको 20% ज़्यादा के रिटर्न मिल रहे हैं, जिन्होंने 6 मंथ पहले पैसे लगाए उनको 9% ज़्यादा के रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छे साइन है, और मार्केट कैप है 22,988 करोड़ की। डिविडेंड पे करता है वो भी दिखाएंगे आपको। डिलीवरी देखिए बहुत अच्छी है इसकी, 65% से ज़्यादा की दिख रही है। प्राइस टू बुक है 5.33 और अर्निंग पर शेयर 11.35। इस प्रकार से जो पी रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो आटा 28.92 का। और अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे कि हम थोड़े से इनके क्वार्टरली और हाँ नतीजे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम पहले ईयर ऑन ईयर जैसे जून 2018 से जून 2019 में कंपेयर करते हैं तो नेट सेल्स में जाते हैं तो 1,289 करोड़ का 2018 में था जून में, तो जून 19 में हो गया 1,576, यानी कि काफ़ी बढ़त है, जंप है, अपसाइड है, एक अच्छे नंबर्स हैं, ग्रोथ है। और वहीं पे अगर मार्च 19 से हम कंपेयर करते हैं तो भी जो है यहाँ पे मार्च 19 में था 1,543, तो जून 19 में हो गया 1,576, यानी कि यहाँ भी बढ़त के साथ है। इसी प्रकार से अगर नेट प्रॉफिट में आते हैं पहले साल दर साल, तो जून 18 में था 187 करोड़ का, वहीं जून 19 में हो गया 245 करोड़ का, वहीं मार्च 19 से अगर कंपेयर करते हैं 228 करोड़ से हो गया 245 करोड़। तो क्वार्टरली और साल दर साल कंसोलिडेटेड दो नतीजे हम देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। कुछ वर्षों के देख लेते हैं, 2015 से अगर हम नेट सेल्स में देखते हैं तो हर साल थोड़ी सी ग्रोथ ही दिख रही है, थोड़ी सी डाउनसाइड यहाँ पे हुई थी मामूली सी 2017 में, लेकिन 2018 में इनका 4,535 और अगेन मार्च 19 में 5,765 करोड़। इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट में अगर देख लेते हैं तो भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। ये देखिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च एंडिंग, उसी का हम साल दर साल हमने देखा। इस प्रकार से अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 3 साल का हम देखते हैं 16%, उसी प्रकार प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 20% से ज़्यादा की, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% से ज़्यादा की है। नंबर्स ठीक ठाक हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं। और रिजर्व्स अगर हम देखते हैं जो इनके पास रिजर्व्स है, मार्च 19 में यहाँ पे ये 4,176 करोड़ के यहाँ पे दिखाया है, और बोरोविंग्स जहाँ सिर्फ मार्च 15 तक था इनके पास, उसके बाद इन्होंने 2016 में आते आते ख़त्म कर दिया और अभी ज़ीरो है। तो इसका मतलब एक डेट फ्री कंपनी है, कर्जा मुक्त कंपनी है, तो ये एक और भी अच्छी चीज़ है। और अगर हम कंपनी के कुछ और जैसे डिविडेंड पे जाते हैं तो डिविडेंड हिस्ट्री जो है इनकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही, प्रतिवर्ष यानी हर साल इन्होंने दिया है शानदार डिविडेंड पे किया। 2019 में भी है 2.40 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने दिया है, कब दिया है 24 मई को। तो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और हाँ तो इस प्रकार के इनके जो हमने आपको एक छोटे समय में काफ़ी चीज़ें बताई अबाउट IGL, तो IGL पे अगर हम लंबे समय के लिए देखते हैं तो मैं रिटर्न भी अभी दिखाने वाला हूँ। अच्छा, होता क्या है कि अपने पोर्टफोलियो में हमें ध्यान देना है, जैसे कि आपने पोर्टफोलियो बना रखा होगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मुझे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने एक ही कई दफ़े बात पूछी है कि सर कोई आप अच्छा स्टॉक बताएं या कोई पोर्टफोलियो बनाएं, तो उसके दो रीज़न है फ्रेंड्स। एक तो अच्छा स्टॉक आप किसे कहते हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा। देखिए अच्छा स्टॉक क्या होता है कि आप पहले एक पोर्टफोलियो बनाएं, उस पोर्टफोलियो में देखें कि अलग अलग सेक्टर्स की, जैसे कि अभी मैंने IGL बताया गैस की हो गई, तो जो आपको गैस की अच्छी लगे कंपनी, और भी जो इसकी पेयर कंपनीज उनके वीडियोस में कभी और बनाऊंगा, तो जैसे मान लीजिए इस सेक्टर का एक स्टॉक चुन लिया आपने, अगर लगता है आपको कि भविष्य अच्छा है। दूसरा, क्योंकि देखिए गैस तो ये ऐसी चीज़ है कि अभी क्लीन एनर्जी है और इसको जो है इसका जो इस्तेमाल है बंद होने वाला नहीं है। हम सभी अपने डेली यूज़ में खाने पीने में बनाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे व्हीकल्स में भी हों, है ना। तो जैसे मान लीजिए गैस का हो गया सेक्टर, IT सेक्टर हो गया,
ऑटो सेक्टर में अगर कुछ लगता है आपको इस समय बहुत हालत ख़राब है लेकिन लगता है, तो कोई एक दो रख लीजिए, एक रख लीजिए एटलीस्ट। या फिर आपको लगता है केमिकल्स में भी, तो केमिकल का भी रखिए, बैंक रखिए, FMCG का ज़रूर रखिए। तो इस तरीके से अलग अलग आप सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स चूज़ कीजिए 10-12, उन 10-12 में से आप रिव्यू करते रहिए समय समय पे। क्योंकि अगर मैं अभी पोर्टफोलियो बना दूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी काफ़ी उतार चढ़ाव है, काफ़ी नीचे के लेवल पे आ चुकी है और लगातार गिरती जा रही, गिरती ज़्यादा है उठती कम है, ऐसे में तो वॉरेन बफेट साहब या झुनझुनवाला साहब भी पोर्टफोलियो आपको बना के देंगे ना, तो भी अभी कुछ समय तक वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ना दे। तो होगा क्या कि मैं अगर पोर्टफोलियो आपको अभी बना के दे दूँ और उसमें 10% की गिरावट आ जाए आप पूरे ओवरऑल जो आपका पूरा वैल्यू है NAV, तो उसमें होगा क्या कि आप फिर कहोगे सर आपने ये बताया था और इसमें देखिए हमें नुकसान हो रहा है। तो समझने वाली बात है कि आप में से कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, तो इसलिए अभी पोर्टफोलियो नहीं बना रहा मैं जल्द बनाऊंगा। थोड़ा अभी रिसर्च चल रही कि कौन कौन से लंबे समय के लिए मैं स्टॉक्स को चूज़ करूँ, अलग अलग सेक्टर के अच्छी कंपनियाँ, तो मैं जल्द बनाऊंगा। तो जब बनाऊंगा तो आप लोग को ज़रूर अपडेट करूंगा, क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो जल्द बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी बातें ना कर दिया करेंगे सर हम नुकसान हो रहा है। तो उसका रीज़न है क्या है कि जैसे आप सिंगल सिंगल, जैसे अभी बहुत गिरावट, बहुत नए लोग भी मार्केट में घुस रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है कि बहुत लोग नए मार्केट में ये सुन के आ रहे हैं कि अरे मार्केट बहुत क्रैश हो गई, बहुत नीचे के लेवल पर, चलो पैसा लगाते हैं पैसा लगाते हैं। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि थोड़ा स्टडी भी करें, है ना, स्टडी करें अच्छी कंपनियों के, जो अच्छी कंपनी टूट गई हो उसको लें थोड़े थोड़े करके और इस तरीके से इन्वेस्ट करें, SIP करें। दोस्तों आज फिर चलिए मैं रिटर्न भी दिखा देता हूँ इस कंपनी के। देखिए IGL के अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 10 वर्षों में इसने 921% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि करीब करीब 1000% ही मान लीजिए, 70% ही कम है, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। आप समझिए कि अगर आपका पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में भी डालते हैं, हालांकि वो श्योर होता है फिक्स डिपॉजिट वाला, वो आपको 8-9 साल में जो है डबल कर देता है इसी प्रकार से। लेकिन ऐसी कंपनियां अगर अच्छी कंपनियों का आप चुनाव करते हैं तो आपको लंबे समय में 8-10 साल में अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी किस्मत रही हो, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो जो भी आपने ले कर रखा, तो 5 सालों में भी 10% के रिटर्न आ सकते हैं, 4 सालों में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 10 सालों में 9.5% से कम, यानी 921% के रिटर्न है, 5 सालों में 325% के आसपास, और 4 सालों में 250% के आसपास, 3 सालों में 100%, और 2 सालों में 25, 1 साल में 19, ईयर टिल डेट 22, 6 मंथ में 12% रिटर्न। तो रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, नुकसान की बजाय रिटर्न ज़्यादा हावी है। तो अच्छा रहा सब कुछ, और आज मैं ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।